हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल सहज सब सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर का लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सीरीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, कौन कौन सा मॉड्यूल होगा, कौन कौन सा कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगा, उसको कैसे क्रिएट करेंगे, सब कुछ हमने क्रिएट करके पिछले वीडियो में देखा। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा आपको कि एक बार पिछला वीडियो जरूर देखिए ये वीडियो देखने से पहले, क्योंकि पिछले वीडियो में ही हमने क्या कर लिया है कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, और उस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर पर हम आज थीम इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो जो है उसमें ये हम देखेंगे कि थीम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, कैसे हम अपने पूरे प्रोजेक्ट का थीम बनाएंगे और कहाँ पर रखेंगे तो पूरे प्रोजेक्ट पर अप्लाई होगा। उसके बाद साथ ही साथ इस वीडियो में हम होम पेज भी क्रिएट करके देखेंगे जो कि स्टैटिक डेटा के साथ होगा, मीन्स कि आने वाले वीडियोज में हम उसको डायनेमिक लेकर आएंगे, डायनेमिक कंटेंट लेकर आएंगे, लेकिन आज के वीडियो में उसको हम स्टैटिक दिखाएंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि होम पेज का डिजाइन किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम ये एप्लीकेशन, ये ट्यूटोरियल वेबसाइट बनाने वाले हैं इस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सीरीज में, तो इस एप्लीकेशन का हम थीम बनाने वाले हैं, मीन्स कि हमारा हेडर किस कलर का होगा, हमारे बैनर का साइज क्या होगा, फिर उसके बाद हमारे किसी भी कंटेंट का साइज और बोल्ड, ये सारी चीजें हम कैसे डिफाइन करेंगे, कहाँ रखना होगा, कौन सा इमेज का साइज क्या होगा, इन सारे चीजों को हम आज इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं। उसके बाद ये होम पेज जो आपको दिख रहा है, ये होम पेज भी हम डिजाइन कर लेंगे इस वीडियो में, मीन्स कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने भी सिस्टम पर ऐसा होम पेज क्रिएट कर पाएंगे। अगर जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ उस तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आज आपके सिस्टम पर ये होम पेज इजिली क्रिएट हो जाएगा। और ये जो डेटा आ रहा है ये अभी स्टैटिक डेटा है, अभी आज के वीडियो में हम स्टैटिक डेटा ही दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमने वेब एपीआई बनाना या फिर कैसे सर्विस को इंटीग्रेट करना अभी नहीं सीखा है, इसलिए अभी हम स्टैटिक डेटा के साथ होम पेज को डिजाइन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन का पार्ट स्टार्ट करेंगे, लॉगिन, लॉग आउट, ऑथेंटिकेशन, उसके बाद वेब एपीआई, एसक्यूएल सर्वर, सारी चीजें हम सीखने लगेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम डायनेमिक कंटेंट कैसे, जो कि हमारे बैकएंड डेटाबेस से डेटा आकर यहाँ पर कैसे बाइंड होने लगा, जैसे कि ये इमेजेज, ये डेटा कैसे हम एडमिन वहां से लॉग इन करके डालेगा डेटा और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा, ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं सीधे प्रोजेक्ट के तरफ और वहां पर हम एक इसके थीम को बनाते हैं और कहाँ पर रखते हैं सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि app.component.html पेज पर हेडर, बैनर, कोर्स फीचर और फुटर के सिलेक्टर्स को रख लिया था, मीन्स कि इसको हमने होम पेज बनाने के लिए आर्किटेक्चर डिजाइन कर लिया था। बट इसमें कुछ डेटा ना होने के कारण हम जैसे ही इसको कंपाइल कर रहे थे तो होम पेज पर क्या दिख रहा था कि हेडर वर्क्स, बैनर वर्क्स और कोर्स फीचर वर्क्स एंड फुटर वर्क्स, मीन्स कि उस टाइम ना कोई थीम था पिछले वीडियो में, ना ही कोई डेटा था, इसलिए पेज बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा था। बस ये दिख रहा था कि हमारा ये सारे कंपोनेंट वर्क्स कर रहे हैं। बट आज की वीडियो में हम थीम भी बनाएंगे, इन सारे जो सिलेक्टर्स डले हुए सारे कंपोनेंट के एचटीएमएल पर कुछ डेटा डालेंगे स्टैटिक, उसके बाद होम पेज का डिजाइन हम देख लेंगे कि होम पेज का हमारा डिजाइन हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर कंपोनेंट का एक सीएसएस पेज होता है, अगर मैं बात करूं हेडर का तो हेडर में आप जाएंगे तो हेडर में हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट सीएसएस है। अगर इस सीएसएस पर मैं कोई भी स्टाइल्स लिखता हूं, कोई भी क्लासेज बनाता हूं स्टाइल्स रिलेटेड, सीएसएस से रिलेटेड, तो ये इसका जो इफेक्ट होगा हमारे इसके हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पर अप्लाई हो जाएगा, मीन्स कि इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा जो कि इसके लिए लोकली हो जाएगा। तो हमें क्या करना है इस प्रोजेक्ट में, एक ऐसा सीएसएस, ऐसा थीम बनाना है कि जो कि पूरे प्रोजेक्ट में ग्लोबली अप्लाई हो। तो उसके लिए क्या करना होता है दोस्तों कि आप अगर जाते हैं एसआरसी फोल्डर के अंदर, जैसे मैं इसको ऐप को मिनिमाइज कर दूं तो आप एसआरसी फोल्डर के अंदर जाते हैं, देखिए स्टाइल्स डॉट सीएसएस ये होता है फाइल ग्लोबल। अगर इस
styles.css जो कि रूट फोल्डर में है, अगर इस पर मैं कोई क्लासेज या css बनाता हूँ तो ये पूरे प्रोजेक्ट पर अप्लाई हो जाएगा। मींस कि इसी में हमें बनाना होगा अपना थीम जो कि पूरे प्रोजेक्ट पर अप्लाई हो, जिसमें जिसमें हम ये डिफाइन करेंगे कि हमारा बैकग्राउंड कैसा होगा, H1 का स्टाइल क्या होगा, और किसी इमेज का साइज कैसे डिफाइन करेंगे। तो इस सारी चीजों को हम यहीं पर डिफाइन कर लेंगे, मींस कि यहाँ पर अपना पूरे प्रोजेक्ट का ग्लोबली थीम बना लेंगे। तो अगर मैं इसको टाइप करने लगूंगा तो इट विल टेक मोर टाइम, इसलिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपनी वेबसाइट पर जहाँ पर हमने इसका थीम बनाकर रखा है, वहां पर मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसको यहाँ पर रखकर रखता हूँ, तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगुलर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में जाएंगे और यहाँ पर थीम इंटीग्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो थीम इंटीग्रेशन से रिलेटेड सारे चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थीम इंटीग्रेशन से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। मीन्स कि आप थीम क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि src के अंदर styles.css के अंदर अगर ये थीम जो मैंने बना रखा है इस प्रोजेक्ट के लिए, इसको अगर आप वहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, H1 के लिए फॉन्ट साइज क्या होगा, BG ब्लू मीन्स बैकग्राउंड कलर ये होगा, ये सारी चीजें आप वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करके और मैं अपने इस स्टाइल डॉट सी एस एस पर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर ये सी एस एस हमारा बन गया। तो इसको आपका क्या वर्क है कि इसको आप अच्छे से देखेंगे, एक एक चीजें समझेंगे, या फिर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो आप अपने तरीके से किसी का भी कलर चेंज कर सकते हैं, किसी का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं अपने तरीके से, किसी के अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। मीन्स कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमने होम पेज दिखाया था जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये सी एस एस बनाया है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, मीन्स के वैलिडेशन जब लगाएंगे तो हम उसके लिए भी यहाँ पर सी एस एस बना लिया हमने, एडमिन पैनल के लिए हमने भी यहाँ पर सी एस एस बना लिया। एडमिन पैनल जब खुलेगा तो लॉग इन लॉग आउट के पेज है, तो उस टाइम में कौन सा अप्लाई होगा, ये सारी चीजें हमने अभी से इसको बना लिया है। आप इसको वहां से हमारे वेबसाइट से कॉपी करके अपने सिस्टम पर रख सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्या होगा, मीन्स कि हमारा ये ग्लोबली सी एस थीम जो है सी एस एस है जो क्रिएट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि अगला स्टेप मैं आपको दिखाता हूं कि अगले स्टेप में आपको करना क्या होगा कि जो भी इमेजेज है आपको कहाँ रखना है, कीप ऑल इमेजेज इन src के एसेट्स के अंदर एक इमेज नेम का फोल्डर बनाइए, वहां पर आपको रखना है। मीन्स कि दोस्तों मैंने पहले भी बता रखा है अपने ट्यूटोरियल्स के जो सीरीज हैं उसमें कि जो भी आपको एक्सटर्नल चीजें फाइलें रखना होता है आप एसेट फोल्डर के अंदर रखते हैं। मीन्स कि एसेट फोल्डर एंगुलर में इसीलिए बनाया गया है कि आपको एक्सटर्नल जो सी एस एस जे एस जो भी फाइलें होती है आपको यहाँ पर रखना होता है। तो इसमें मैंने क्या किया कि इसमें एक इमेज नेम से फोल्डर बनाया और जो भी इस प्रोजेक्ट में जिस जिस इमेज का काम है उसको हमने यहाँ पर रख लिया है। तो अगर मैं इसके फोल्डर में जाकर दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं अभी, तो आप यहां पर देखेंगे कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है सहो सॉफ्ट उसके अंदर src फोल्डर है, इसके अंदर आप देखेंगे कि एसेट्स एसेट्स के अंदर हमने इमेजेज नाम का फोल्डर बनाया और इसके अंदर सारा इमेज रख लिया जो कि अभी हमारा इस प्रोजेक्ट में दिखेगा। दोस्तों एक चीज और यहीं पर मैं आपको क्लियर करते चलूं कि ये जो इमेजेज है अभी स्टैटिक है, मैंने अभी यहाँ पर रख लिया और इस प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा, लेकिन जब हम डायनेमिक वर्क करने लगेंगे, वेब API सीख जाएंगे, लॉगिन करके डेटा डालने लगेंगे, तो वहां पर मैं आपको इमेज अपलोड करके भी दिखाऊंगा और वो अब जो इमेज अपलोड होगा वो डायनेमिकली आपके होम पेज पर और बाकी सारे पेजेज पर दिखेगा। लेकिन अभी हम होम पेज स्टैटिक तरीके से डिजाइन कर रहे हैं ताकि आपको होम पेज डिजाइन करना आ जाए, उसके लिए मैंने कुछ स्टैटिक इमेजेज एसेट्स के अंदर रख लिया है और इसको वहां पर हम दिखाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एसेट्स के अंदर इमेजेज के अंदर ये हमने इमेज रख लिया, ये अभी स्टैटिक इमेजेज है इसलिए हमने एसेट्स के अंदर रखा। जब हम API पर वर्क करने लगेंगे उस टाइम हम डायनेमिक इमेजेज भी लेकर आएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये आ गया। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि अब चलते हैं ऐप फोल्डर के अंदर और अपना हेडर पहले डिजाइन करते हैं कि हेडर में हमें क्या क्या लिखना होगा। तो हेडर के HTML पेज पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसकी अभी हमें
कोई जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद अब इस HTML का डिजाइन करना है, मींस कि हमें हेडर में जो लिखा हुआ आ रहा था हमारा लोगो, उसके बाद होम, कोर्सेज, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया कि हेडर में जो रेड कलर का पट्टी आ रहा था उसमें मेनू आ रहा था, बाद में लॉगिन का भी लिंक आ रहा था, उसको हमें डिजाइन करना है। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक डिजाइन बनाकर रखा है हेडर के लिए। इसको आप ऐप के अंदर हेडर के अंदर हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट HTML पर अगर इसको आप पेस्ट कर देंगे, या फिर या तो मैं टाइप करके दिखाऊं, या फिर आप टाइप कर सकते हैं, या फिर इसको वहां पर कॉपी पेस्ट करके समझ सकते हैं। अगर मैं एक एक चीजें टाइप करने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने इसको पहले से ही डिजाइन करके अपने वेबसाइट पर रख लिया है, जिससे आपको भी हेल्प मिलेगा, आप वहां से कॉपी करके अपने सिस्टम पर चला सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस डिजाइन को यहाँ पर रखता हूँ और उसके बाद मैं अपने ब्राउजर में देखूंगा तो एक हमारा हेडर आ जाएगा, ये कंपाइल भी सक्सेसफुली हो गया है। मैं आपको, या फिर इसको मैं एक बार टर्मिनेट करता हूँ और इसको सर्व करके देखते हैं, मींस कि ब्राउजर में देखते हैं कि हमारा अभी मींस कि हेडर दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ng सर, एक एक चीजें मैं यहाँ पर डाल डाल के जो भी सीखा समझा के आपको सर्व करके दिखाते जाऊंगा, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। तो अभी सर्व हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है, उससे पहले मैं एक चीज आपको और ये भी समझाते रहूँ कि आप होम के लिंक पर अभी हैश लगा हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर हमने अभी हैश इसलिए लगा रखा है कि अभी ये स्टैटिक दिखा रहे हैं, जैसे ही अगले आने वाले वीडियोज में जब राउटिंग और नेविगेशन पर वर्क करेंगे तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक्टिव लिंक बनाते हैं, कैसे राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, मींस कि जैसे ही होम पर क्लिक करेंगे तो कैसे होम पर ले जाएगा, कोर्स पर क्लिक करेंगे तो कैसे कोर्स के पेजेज पर ले जाएगा। उस टाइम यहाँ पर अलग से एक्टिव लिंक बनेंगे और राउटिंग को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अभी आप इसको समझिए, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसको जैसे ही सर्व हो जाएगा मैं आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये कंपाइल हो चुका है, तो हमने हेडर, सॉरी, इसमें हमने बैनर डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम डाल दिया। हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, हमें इसको डालना होगा हेडर के कंपोनेंट डॉट एच टी एम में। हेडर जो है हमारा, जो कि क्योंकि ये जो डिजाइन है हेडर का है तो इसमें हम रखेंगे, इसको हटा देते हैं, यहाँ से डिलीट कर दिया हमने और हेडर में हमने डाल दिया। तो ये जो डिजाइन है हेडर में दिखने लगेगा। अब देखिए कंपाइल हो रहा है, फिर हमने सेव किया इसको, तो ये जैसे ही कंपाइल हो जाएगा कंपाइल सक्सेसफुली दिखाएगा, उसके बाद हम देखेंगे, देखिए हो गया। उसके बाद चलते हैं इसमें, तो आपको यहाँ पर देखेगा, देखिए यहाँ पर हमारा दिखने लगा हेडर, मींस कि यहाँ पर होम, कोर्स, अबाउट, कंटेक्टर्स और लॉगिन दिखने लगा। उसके बाद देखिए हमने कोर्स फीचर्ड में अभी कुछ नहीं डाला है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। बैनर में हमने अभी कुछ नहीं डाला था, बैनर भी कुछ नहीं दिख रहा है। फुटर वर्क्स, ये भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब एक एक करके सारे डिजाइन हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो अगला हम दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगला हम अगर बैनर सेट करना होगा तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर देखिए बैनर के लिए हमने यहाँ पर डिजाइन रख रखा है। तो इसमें सिंपल हमने किया क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं समझाता हूँ आपको। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने नेविगेशन जो है कि मेनू बना रखा है इस पर, और एक एक लिंक सेट कर रखा है अबाउट अस, लॉग इन चीजें, तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। बैनर के अंदर मैंने क्या किया है कि इमेज को हमने यहाँ पर लोड कराया है एज ए बैनर, जो कि बैनर डॉट जेपीजी कहाँ से ऐसे आ रहा है, एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर बैनर डॉट जेपीजी जो अभी हमने दिखाया कि एसेट्स के अंदर रख रखा है, वो यहाँ पर आकर अप्लाई हो जाएगा। तो अब जैसे ही मैं इसको लेकर जाता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बैनर आ गया है, यहाँ पर बैनर आ गया जो कि हम बैनर दिखाने वाले थे। यही इमेज हमने वहाँ पर रख रखा है इमेजेस के अंदर, अगर आप देखेंगे तो इमेजेस के अंदर ही हमने बैनर नाम से ये इमेज रख रखा है। यहाँ पर अगर आप दूसरा इमेज रखते हैं तो वही इमेज आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, राइट। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि अब फुटर रख लेते हैं पहले, उसके बाद कोर्स फीचर्ड को रखेंगे। तो फुटर रखने के लिए अगर हमारे वेबसाइट पर आप जाते हैं तो फुटर के लिए भी हमने यहाँ पर रख रखा है, बस इसमें हमने ये लिख रखा है कि पावर्ड बाई सोहसब। आप अपने तरीके से आप अपने कंपनी या फिर अपना नाम रख सकते हैं कि इसके पावर बाई, या फिर डिजाइन बाई, कुछ भी जो भी रखना होगा आप अपने तरीके से रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, फुटर के कंपोनेंट में, और फुटर कंपोनेंट का जो HTML है इस पर हम इसको रख लेंगे, इसको हटा देंगे, इसकी कोई जरूरत है नहीं। अब यहाँ पर जैसे हम रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसमें जो CSS लगा हुआ है, ये CSS के अकॉर्डिंग जो हमारा है, हमारा जो पट्टी बनेगा नीचे का वो ब्लैक कलर का बन जाएगा। यही CSS अगर जाकर ढूंढेंगे आप इसको, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, हमने लगा रखा है पहले से ही, राइट। तो उसके बाद अगर हम फुटर में हमने डाल दिया
अब इसको जैसे ही हम जाकर देखेंगे तो ये फूटर बनकर आ जाएगा यहाँ पर हमारा जनरल रन। देखिए यहाँ पर पावर भाई आ गया, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। यहाँ पर हमने जो फीचर्ड जो दिख रहा था, जो कोर्सेज दिख रहे थे, उसको यहाँ पर हमें डिजाइन करना है। तो उसके लिए भी मैंने अपने वेबसाइट पर, यहाँ पर जाते हैं आप तो देखेंगे कि फीचर्ड के लिए भी हमने एक एक अलग अलग ब्लॉक बना रखा है सेक्शंस के अंदर, और इसका भी हमने डिजाइन कर रखा है। और जो कि अभी ये स्टैटिक डेटा, जो भी कंटेंट है स्टैटिक है, जो कि लिखा हुआ आ रहा है, ये सारी चीजें हम डायनेमिक लेकर आएंगे जब हम वर्क करने लगेंगे। डायनेमिक जो एसक्यूएल और उसके बाद बीबीपीआई पर वर्क करने लगेंगे, जब लॉगिन का पार्ट मैं आपको समझा लूंगा, तो वहां से जो एडमिन डालेगा डेटा वही सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको अगर हम कॉपी करके डालते हैं कहाँ पर, कोर्सेज के अंदर हमारा कोर्स फीचर्ड, हमने कॉपी किया इसको और यहाँ पर जाएंगे कोर्सेज के अंदर, कोर्स फीचर्ड जो हमारा है, कोर्स फीचर्ड के अंदर इसका एचटीएमएल है। अगर यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ, इसको हमने डिलीट किया और यहाँ पर इसको मैंने अगर रख दिया, तो आप देखेंगे कि वहां पर हमारा डिजाइन रेडी हो चुका होगा। ये सारी चीजें जो कि हमारा ये अभी स्टैटिक आ रहा है, इस सब हम डायनेमिक वर्क करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। अभी हम केवल होम पेज का डिजाइन सेट कर रहे हैं ताकि आप भी अपने सिस्टम पर इजिली सेट कर पाए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने बूटस्ट्रैप का जो क्लासेज होता है, ये सारी चीजें हमने लगा रखा है, इमेज बना रखा है, उसके बाद H3 और जो पैराग्राफ का है, एक एक सेक्शन हमने बना रखा है। जैसे एक एक डिव है, इसके अंदर एक आ जाएगा ब्लॉक, उसके बाद उसी तरीके से अलग डिव है तो उसके लिए दूसरा ब्लॉक आ जाएगा। उस तरीके से हमने 5-6 ब्लॉक बना रखा है जो कि हमारा यहाँ पर दिखेगा। तो अगर मैं अब चलता हूँ ब्राउजर में, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा होम पेज रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर आप भी जो जो कोड जो हमारे वेबसाइट से आकर कॉपी पेस्ट करते हैं अपने सिस्टम पर, तो आपके सिस्टम पर इस तरीके से होम पेज रेडी हो चुका रहेगा। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे ताकि मैं आपके सॉल्यूशन बता सकूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने थीम बनाना सीखा, थीम कहाँ रखते हैं, इमेजेस कहाँ रखते हैं ये सीखा, उसके बाद हमने होम पेज भी डिजाइन करके देख लिया। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का वीडियो और आपको लिए बहुत ही भी हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।